पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आज दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियां भरसक प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर पर्यावरण संरक्षण के इस मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही। इसी को ध्यान में रखते हुए चलो पेड़ लगाओ के नारे के साथ वन महोत्सव की मुहिम के तहत बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में बवाना DSIIDC द्वारा एक दिन में 5000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित कर नया कीर्तिमान बनाया। बवाना DSIIDC की इस मुहिम में टाटा पावर, CISF, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस के कई अन्य विभागों का भी योगदान मिला। इस मौके पर बवाना इंडस्ट्रियल इलाके के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग विभाग के अधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर समाज को हरा भरा रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर बवाना DSIIDC के MD संजीव मित्तल मुख्य अतिथि के तौर पर रहे और उन्होंने कहा कि हर साल वन महोत्सव के तहत बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में 10,000 से 15,000 पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में प्रचंड गर्मी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और इस बार 30,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। ये वन महोत्सव जो है, हम हर साल कहते हैं जुलाई अगस्त के महीने में पेड़ लगाने का प्रयत्न करते हैं। जितने हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें सभी में हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बवाना जो है हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 16,000 फैक्ट्री हैं यहाँ पर और लाखों की संख्या में मजदूर जो हैं यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जगह भी है हमारे पास और क्योंकि ये काम हमने अपने कंसेशनर को दिया हुआ है, वो भी काफ़ी एक्टिव है, बवाना इंफ्रा जो है वो भी काफ़ी एक्टिव है, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि बवाना जो ये वाला एरिया है वहाँ पे हमारा टारगेट जैसे 72,000 पेड़ लगाने का है, तो 30,000 पेड़ लगाने का टारगेट जो है हमारा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने का है। तो इसलिए हमने आज कहते हैं बात किया कंसेशनर में मनोज अग्रवाल जी से, तो उन्होंने बड़ा कहते हैं आगे बढ़ के कहा कि ठीक है, हम कहते हैं इस तरह फंक्शन करेंगे, इसमें एक ही दिन में हम 5,000 पेड़ लगाएंगे। जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, या CISF है, चाहे एसोसिएशन है, सभी को इन्वॉल्व करके हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा एरिया है उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 5,000 पेड़ लगाएं। टारगेट हमारा टोटल 30,000 पेड़ लगाने का है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आज चलेगा, अगले आने वाले कहते हैं इस महीने में बाकी दिन जो है उसमें भी चलेगा, अगले महीने में भी चलेगा, तो हम पूरा 30,000 पेड़ और उससे भी ज्यादा उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि बवाना इंडस्ट्रियल इलाका करीब 1922 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में से एक बवाना इंडस्ट्रियल इलाका जहां सबसे ज़्यादा व्यापारी बसे हुए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में उद्योग क्षेत्र बनाए गए हैं। ऐसे में यहां के व्यापारी मिलकर क्षेत्र में हरा भरा रख कर बवाना को हरियाली के रूप में स्थापित करने की एक मुहिम में जुटे हुए हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।